संग विहारे శ్రీల ప్రభుపాదకి అనంత కోటి వైష్ణవ బృందకి నామాచార్య హరిదాస్ ఠాకూర్కి ప్రేమ్ సిఖహో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృందకి శ్రీరాధాకృష్ణ గోప గోపికా శ్యామకుండ రాధాకుండ గిరిగోవర్ధనకి బ్రజభూమి బృందావన ధామకి నవద్వీప్ మాయాపుర ధామకి పురుషోత్తమ క్షేత్ర జగన్నాథపురి ధామకి గంగామయ్యాకి జమునామయ్యాకి భక్తిదేవికి తులసి మహారాణికి శ్రీ శ్రీ రాధా బృందావన చంద్ర భగవానికి శ్రీ శ్రీ రాధా కుంజ బిహారీ భగవానికి శ్రీ శ్రీ నితాయి గౌరచంద్ర భగవానికి శ్రీ శ్రీ కృష్ణ బలరామకి జగన్నాథ బలదేవ్ సుభద్రా మహారాణికి సేవియర్ ఆఫ్ ది హోల్ వరల్డ్ హిస్ డివైన్ గ్రేస్ అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదకి శ్రీల ప్రభుపాద్ ట్రాన్సెండెంటల్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस्ट द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस्ट द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस्ट द सिंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरियस, ऑल ग्लोरियस, ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। फिर टाइट होता फिर एंगल नहीं मिल हरे कृष्ण। इस श्रावण पूर्णिमा या श्री बलराम जी के आविर्भाव दिवस के बहुत ही पावन पर्व पर और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में
जो कि आज से ठीक एक हफ्ते पश्चात मनाई जाएगी। हम इस भागवत कथा का आयोजन करने का मानस रखे। कोई बहुत बड़ा आयोजन करने का विचार नहीं था, पता नहीं क्यों मुझे इच्छा हुई कि कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व भगवान की जन्म लीला का अध्ययन किया जाए। लेकिन अध्ययन एक ऐसी चीज है, अगर बोलने का मौका नहीं हो तो अध्ययन भी ठीक से नहीं होता है। इसलिए मैंने सोचा फिर से आप सबको एक बार परेशान किया जाए और इतने दूर आपको विनती की जाए कि आकर उत्साह बढ़ाइए, जिससे इस परम पवित्र परम पावन कृष्ण लीला का आविष्कार हो सके। भगवान के जन्म की लीला, भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है, कैसे जानता है, वित्ति, वित्ति का अर्थ है जानकार व्यक्ति, कैसे जानता है, तत्वतः मेरा जन्म और मेरे कर्म कैसे है, दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य है। दिव्य का अर्थ है कि इस लोक में जिस प्रकार से लोग जन्म लेते हैं और जिस प्रकार से वे कर्म करते हैं, वैसे भगवान के जन्म और कर्म नहीं है, वे दिव्य है। इस लोक से या इस लौकिक परिस्थिति से उसका कोई सारोकार नहीं है। भगवान यहां पर आते हैं, उनका आविर्भाव होता है, वे अपनी इच्छा से आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, यहां पर लीलाएं करते हैं, और जो लीलाएं भगवान यहां पर करते हैं वो भी अति दिव्य है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो भी कोई मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को सिद्धांत से, तत्वतः, तत्व से जानेगा, एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, वो देह को त्याग करने के पश्चात, त्यक्त्वा देहं, देह त्याग करने के पश्चात उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, मामेति, वो मेरे पास आएगा। तो ये तो बहुत सरल मार्ग भगवान ने प्रदान किया है, भगवान के जन्म को और कर्मों को तत्व से जानो और इस भवबंधन से मुक्त हो जाओ। बहुत आसान सा तरीका है। चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण अष्टमी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में भगवान आविर्भूत हुए, लेकिन किस प्रकार से हुए, किस कारणवश हुए, ये समझना बहुत आवश्यक है। भागवत दशम स्कंद में प्रथम 3 अध्यायों में ये कथा आती है और बहुत सुंदर प्रकार से सुखदेव गोस्वामी इस कथा का कथन करते हैं। इतना दिव्य कथन हम कई बार सुने हैं, भगवान किस प्रकार से प्रकट हुए हैं, है ना, आप सबको पता है भगवान कहाँ प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, किसके घर पे प्रकट हुए, किस परिस्थिति में प्रकट हुए, प्रकट होकर उन्होंने क्या, सब आप जानते हैं, हम सब जानते हैं। हम कई बार इन कथाओं को सुने हैं, किस प्रकार कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के घर पे भगवान प्रकट हुए,
और फिर वसुदेव ने कहा लेकर गए, गोकुल लेकर गए, ब्रज गोकुल लेकर गए नंद बाबा के यहाँ। फिर वहाँ पर उन्होंने 11 वर्ष बिताए। उसके पश्चात वे कहाँ गए, मथुरा गए। वहाँ पर 18 वर्ष थे और फिर उसके पश्चात द्वारका गए, वहाँ पर 100 वर्ष भगवान लीला किए। तो ये सब हम मोटा मोटा तो जानते हैं, है ना। परंतु जिस दिव्यता से सुखदेव गोस्वामी इस कथा को कथन करते हैं, उसको अगर समझने का हम प्रयास करेंगे तो परीक्षित महाराज दशम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रारंभ में ही इस जिज्ञासा को प्रकट किए हैं। नवम स्कंद के 24वें अध्याय में यानी अंतिम अध्याय में, जबकि सोमवंश का वर्णन हो रहा था सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, तो सोमवंश के अंतर्गत महाराज ययाति के कुल का वर्णन हुआ और किस प्रकार भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम समेत आविर्भाव किए या जन्म लिए, उसका वर्णन अंत के 2 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी किए। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने इन 2 श्लोकों का वर्णन सुना कि कृष्ण आए, उन्होंने अनेक प्रकार से लीला की वृंदावन धाम में, मथुरा में या द्वारिका में उन्होंने लीला की और कंस का उद्धार किया, भूमि को पाप के भार से बचाया। ये वर्णन जैसे ही परीक्षित महाराज ने सुना तो उनका चित्त पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चला गया और वे विनती करते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि इन कथाओं को विस्तार से सुनाया जाए। जिस प्रकार भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय में शौनक आदि मुनिगण जिज्ञासा किए सूत गोस्वामी से और 6 प्रश्न पूछे, है ना, प्रथम अध्याय में आते हैं, उन 6 प्रश्नों के उत्तर का विस्तार ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। उसी प्रकार दशम स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं सुखदेव गोस्वामी से। और ये जो जिज्ञासा है महाराज परीक्षित की, ये प्रथम अध्याय दशम स्कंद प्रथम अध्याय के 13 श्लोकों में आती है। और ये जिज्ञासा करते हुए महाराज परीक्षित अनेक सिद्धांतों का और तत्वों का उद्घाटन करते हैं और वे स्मरण करते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर विशेष कृपा की है। तो इस जिज्ञासा के अंतर्गत परीक्षित महाराज भगवान की लीलाओं की दिव्यता का कथन करते हैं और सुखदेव गोस्वामी से विनती करते हैं कि आप विस्तार से जो भी मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, याद है नहीं याद है, आप आपकी बुद्धि से विस्तार से इस कथा को कथन कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर प्रकार से भगवान की लीलाओं का कथन करते हैं। ये दशम स्कंद जो है ये वास्तविक भागवत बोलने का मूल उद्देश्य है या भागवत कथन करने का मूल उद्देश्य है। जितने भी वक्ते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत कथन किया केवल और केवल इस दशम स्कंद के लीलाओं को, तत्वों को, सिद्धांत को कथन करने के हेतु से। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मन्वंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिर आश्रय। ये भागवत के 10 विषय हैं और इन 10 विषयों में से आश्रय तत्व जो है ये भागवत का मूल उद्देश्य है और इस आश्रय तत्व का कथन इस दशम स्कंद अंतर्गत आता है। दशम स्कंद ये आश्रय तत्व का कथन है। परम आश्रय, सभी जीवों के जो परम आश्रय है भगवान श्री कृष्ण, वे अपने
साक्षात स्वरूप में यहाँ पर प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने क्या किया, इन सभी लीलाओं का कथन इस दशम स्कंद में हम प्राप्त करते हैं। ये परम आश्रय तत्व है। बड़े बड़े महात्मा गण इस दशम स्कंद के कथन को मनन करते हुए, स्मरण करते हुए निरंतर भजन किए। ये प्रेम प्रदान करने वाला तत्व है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का कथन दशम स्कंद में प्राप्त होता है। इसका प्रारंभ हम इस कथा सत्र में करेंगे। श्री राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् श्रीराजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम् श्रीराजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। भवता आपने सोम और सूर्य, सोम वंश और सूर्य वंश, ये दोनों वंशों का विस्तार विस्तार से कथित कथन किया है। और राज्ञां च उभय वंशानाम, और ये दोनों कुलों में या दोनों वंश में जो उत्पन्न हुए हैं राजा अनेक अनेक प्रकार के, क्योंकि ये दोनों ही क्षत्रिय वंश है, सोम वंश सूर्य वंश क्षत्रिय वंश है। चूंकि क्षत्रिय वंश है तो उनमें उत्पन्न होने वाले क्षत्रिय है, राजा है। तो राज्ञां चोभय वंशानाम चरितम परम अद्भुतम, इनका अद्भुत चरित्र रहा है, अद्भुत चरित्र। सूर्य वंश में प्रभु रामचंद्र उत्पन्न हुए, जिनका संक्षिप्त कथन इस नवम अध्याय में हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहे कि वाल्मीकि आदि मुनिगणों ने इसका कथन भूरी भूरी किया है, इसलिए वो संक्षेप में कथन किए। उसका एक कारण यही है कि आगे जाकर दशम स्कंद के कथन को करने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए सभी आतुर थे। और सोम वंश चंद्र वंश, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपने मूल साक्षात या स्वयं स्वरूप में आविर्भूत हुए, तो सोम वंश और सूर्य वंश, सोम सूर्य यो, इन दोनों का आपने कथन किया है। और इन दोनों में उत्पन्न हुए जो राजा थे उनके चरित्र परम अद्भुत थे। परम अद्भुतम, अद्भुतम का अर्थ है कि कभी भूतकाल में ऐसा चरित्र देखा नहीं गया होगा। जरा सोचिए, ऐसे एक एक गृहस्थ रहे जिनके घर पर भगवान साक्षात उत्पन्न हुए, उस कुल में साक्षात भगवान उत्पन्न हुए, क्या ये सामान्य बात है?
प्रभु रामचंद्र रघुकुल में उत्पन्न हुए और यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न हुए। कैसा चरित्र रहा होगा उन गृहस्थों का कि गृहस्थ होते हुए भी भगवान को उनके घर में आविर्भूत होने की इच्छा हुई। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है गृहस्थों को, क्या कि गृहस्थों के घर पर भगवान आविर्भूत होते हैं। भगवान कभी ब्रह्मचारी या सन्यासी के यहाँ तो आविर्भाव नहीं लेंगे ना, वो तो गृहस्थ के घर पर ही जन्म लेंगे। तो गृहस्थ, और भागवत में आप देखोगे तो 95% जो भगवान के भक्त है वो गृहस्थ ही है। तो गृहस्थ बहुत सुंदर प्रकार से भगवत भक्ति कर सकते हैं और यहां तक कि भगवान उनके घर पर आविर्भाव लेते हैं। जैसे कपिल और देवहूति के घर पर भगवान कपिल देव, करदम और देवहूति के घर पर भगवान कपिल देव आविर्भाव किए, या कश्यप और अदिति के यहाँ भगवान उपेंद्र वामन देव आविर्भाव लिए। ये अद्भुत चरित्र है इन राजाओं का और अनेक अनेक भगवान के भक्तों का जिनका आपने अब तक कथन किया है। यदोश्च धर्मशीलश्च नितरा मुनिसत्तमः तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संशनः। यदोश्च धर्मशीलश्च, और इसमें भी जो सोम वंश के अंतर्गत जो यदुवंश है ये धर्मशीलस्य, ये धर्मशील है। यदुओं का वंश कैसा रहा है? धर्मशील, धर्म का आचरण करने वाला ये वंश है। जबकि महाराज यदु ने अपने पिता की विनती को स्वीकार नहीं किया था। कौन थे महाराज यदु के पिता? कौन थे? ययाति, है ना। ययाति ने, ययाति के ज्येष्ठ पुत्र थे महाराज यदु। तो जब ययाति को श्राप प्राप्त हुआ, किससे? ययाति की कथा सुनी ना? कब सुनी? अभी अभी, अभी। ययाति को किससे श्राप प्राप्त हुआ था? हाँ, शुक्राचार्य। शुक्राचार्य से श्राप प्राप्त हुआ तो उनका क्या हुआ? वो उन्हें वार्धक्य आया असमय में। तो वो ये आया तो आया, लेकिन फिर शुक्राचार्य ने उन्हें एक उपशाप भी दिया कि कोई अगर स्वेच्छा से आपका ये बुढ़ापा स्वीकार कर ले तो उसका युवत्व आपको प्राप्त हो सकता है। तो महाराज ययाति गए अपने पुत्रों के पास, सबसे प्रथम गए महाराज यदु के पास। यदु कहा, नहीं नहीं भाई, ये मैं नहीं कर सकता। फिर अंत में जाते हैं महाराज पुरु के पास, पुरो के पास, पुरु। तो वे स्वीकार किए और वे स्वीकार करने के पश्चात फिर महाराज ययाति अनेक वर्षों तक अपने अपने पुत्र के यौवन को भोगे। तो महाराज यदु ने हालांकि उनके पिता की विनती को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन फिर भी यहां पर कहते हैं कि धर्मशीलस्य, ये संपूर्ण यदुवंश जो कैसा है, धर्मशीलस्य है। धर्म के आचरण के ऊपर वो कटिबद्ध है। और नितराम, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने अधर्म का आचरण किया है। ऐसे ही नहीं, किसी भी कुल में भगवान आविर्भूत हुए और वो भी साक्षात भगवान श्री कृष्ण, ये कोई उनका अंश नहीं है, वे साक्षात आविर्भूत हुए। और कैसे आविर्भूत हुए? तो अंशेन, वे भगवान का अंश नहीं है, वे स्वयं है लेकिन अंश के साथ है। अंशेन उनका अंश कौन है? भगवान श्री कृष्ण का अंश कौन है? बलराम।
जिनका आविर्भाव आज के दिन हुआ, श्रावण पूर्णिमा के दिन। बलराम जी सहित भगवान तत्र उस कुल में अवतीर्णस्य अवतरित हुए। कौन भगवान अवतरित हुए? विष्णु वीरयाणी शमसन, उनके महात्म्य को, उनकी महत्ता को, उनके वीरता के कार्यों को, उनके लीलाओं को हमें बताइए ना, यानी हमें बताइए। हे मुनि सत्तम, सुखदेव गोस्वामी को मुनि सत्तम कहते हैं। मुनि का अर्थ है मननशील, जो व्यक्ति मनन करता है वो है मुनि। चैतन्य महाप्रभु इस मुनि शब्द का बहुत अच्छा व्याख्या किए हैं। जब आत्मा रामश्च मुनय श्लोक आया ना, उसमें मुनि शब्द का बहुत अच्छा व्याख्या किया। ओके, मननशील, कोई भी व्यक्ति मननशील हो सकता है। जो भी व्यक्ति चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, वो मननशील है। तो चाहे वो दुकान पर बैठकर ग्राहक का चिंतन करे, या कहीं और बैठकर कांचन कामिनी का चिंतन करे या मनन करे, वो मुनि है। आत्मा रामश्च मुनय निर्गुणत्यप्यरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकीं भक्तिम उत्तम भूतो गुणो हरि। चाहे कोई मुनि हो, चाहे आत्मा राम हो, चाहे निर्ग्रंथी हो, इस एक एक शब्द का बहुत बड़ा बड़ा व्याख्या है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन कोई भी हो, अगर वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म के तत्व को समझता है, उनके गुणों को समझता है, सुनता है, तो केवल और केवल भगवान के गुणों की कथा को सुनने के पश्चात कुर्वंती अहैतु की भक्ति, वो अहैतु की भक्ति में लग सकता है, लग जाता है, ये गारंटीड है। कोई भी भगवान के गुणों को अगर सुनेगा एकाग्र चित्त से। अभी कल के ही दिन NVCC में एक भागवत क्लास था, तो उसमें श्लोक आया था, चतुर्थ अध्याय के 24वें, चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय का 7वां श्लोक था। उसमें महाराज पृथु के पुत्र विजिताश्व, जिनका अंतर्धान भी नाम था, उनके चरित्र के विषय में वो श्लोक था। तो वो श्लोक था कि हालांकि वे सभी कर्म कांडों में लगे थे, लेकिन उनका चित्त जो था वो भगवान के चरणों में स्थिर था। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि चाहे कोई कुछ भी करे, श्रवण और कीर्तन रूपी भक्ति उसे करती रहनी चाहिए। चाहे वो कितना भी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हो, मैनेजर हो, बिजनेसमैन हो, नौकर हो, चाहे कुछ भी हो, अपने उधर निर्वाह के लिए व्यक्ति कोई भी कार्य करे, लेकिन श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए। तो उसके उदाहरण में एक श्लोक आया था कि स्वयंभू मनु इतने बड़े व्यवस्थापक है, संपूर्ण सृष्टि का व्यवस्थापन उनके द्वारा होता है, मनुष्य जाति का व्यवस्थापन उनके द्वारा होता है। वे स्वयंभू मनु जो इतने बड़े, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। तृतीय स्कंद 23वें अध्याय में एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि इतना सब कुछ होने के पश्चात भी स भार्यया स प्रजानाम, अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्रों के साथ वो क्या करते थे, तो प्रति उशेषु, हर रोज सुबह उठकर भगवान की कथा को सुनते थे। तृतीय स्कंद में वर्णन है, हर रोज सुबह उठकर क्या करते थे, तो भगवान की कथा को श्रवण करते थे पूरे परिवार और प्रजा के साथ बैठकर। तो भगवान की कथा, हरि की कथा, कृष्ण कथा, यह अद्भुत है। जो कोई भी उसे सुन लेगा वो अहैतु की भक्ति में लग सकता है। मुनि शब्द का अर्थ है जो मनन करता हो, चाहे किसी भी वस्तु का हो। लेकिन यहां पर कहते हैं मुनि सत्तमः, सत कहते हैं भक्त को। वे साधारण मुनि नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण मुनि है? वो किस चीज का मनन कर रहे, किस चीज का चिंतन कर रहे? कहते हैं सत। वे भक्त है, तो भक्त किसका चिंतन करते हैं?
भक्त भगवान का चिंतन करता है। और ये तो सत्तमा है, सत्तम का अर्थ है भक्तों में श्रेष्ठ है। हे सत्तम, हे भक्तों में श्रेष्ठ, हे भागवतोत्तम, आप भागवतोत्तम है, आप जानकार है, आप मनन किए हैं, आप सुने हैं, आप समझे हैं, आपको साक्षात्कार है किस चीज का, विष्णुर वीर्याणी, भगवान की महत्ता का साक्षात्कार आपको है। आप हमें सुनाइए कि किस प्रकार यदुकुल में अपने अंश के साथ भगवान अवतीर्ण हुए। विष्णु चक्रवर्ती पाद श्लोक पर टीका करते हुए कहते हैं कि तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णुर वीर्याणि शमसन। विष्णु जिनके अंश है वो अवतरित हुए, उनकी लीला को, उनकी कथा को हमें सुनाइए। विष्णु जिनके अंश है, विष्णु किसके अंश है, किसके अंश है, विष्णु कृष्ण के अंश है कि कृष्ण विष्णु के अंश है? विष्णु कृष्ण के अंश है। इसके कई शास्त्रिक सिद्धांत है, शास्त्रिक एविडेंसेस है जो ये सिद्ध करते हैं कि भगवान विष्णु जो है कृष्ण के अंश है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि, तीन रूप में विष्णु का अवतार होता है। एक है महाविष्णु के रूप में, द्वितीयस्तु अंडसम स्थितम, दूसरा ब्रह्मांड में स्थित गर्भोदकशाही के रूप में, और तीसरा शिरोदकशाही के रूप में। तीन रूप में विष्णु का अवतार होता है, लेकिन इनके मूल स्रोत कौन है? वो है भगवान कृष्ण। जिनके विष्णु जिनके अंश है वे स्वयं रूप में अवतरित हुए, उन भगवान की कथा बताइए जो यदुकुल में अवतरित हुए या आविर्भूत हुए। अवतीर्य यदोर वंशे भगवान भूत भावनः कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। महाराज परीक्षित के इस जिज्ञासा के ऊपर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भावना है उस व्यक्ति की जिसका आने वाले तीन चार दिनों में मृत्यु होने वाली है? उसकी चेतना देखिए, उसकी जिज्ञासा देखिए। हमको पता है कि चार दिन पश्चात हमारी मृत्यु होगी तो हम क्या करेंगे? एक तो मृत्यु से भागने का प्रयास करेंगे जो कि असंभव है। मृत्यु के लिए कोई प्रतिक्रिया है? कोई प्रतिक्रिया नहीं। अगर पता चलेगा कि आने वाले तीन चार दिनों में हमारी मृत्यु आने वाली है तो क्या करेंगे? मृत्यु से भाग कर क्या होगा? अच्छा ठीक है, मृत्यु से भाग नहीं सकते तो फिर थोड़ी बाकी की व्यवस्था कर ले, धन सुरक्षित कर ले। अरे धन सुरक्षित करके होगा क्या? तू ही नहीं रहेगा तो तेरा धन क्या लाभ करेगा? लेकिन फिर भी नाना प्रकार के उद्यम लोग करते रहते। महाराज परीक्षित का जिज्ञासा इतना उच्च है कि वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वे कहते हैं अवतीर्य यदोर वंशे, यदु के वंश में अवतीर्य भगवान भूत भावना, जो भगवान अवतीर्ण हुए, कृतवान यानी विश्वात्मा त्यानी नो वद विस्तरात, और जो कृत्य उन्होंने किए, जो क्रिया उन्होंने किया, जो लीला उन्होंने किया है, वो सब तानी, वो सब यानी और तानी, जो उन्होंने किया वो सब, जो और वो, वद विस्तरात, आप विस्तार से सुनाइए, संक्षेप में नहीं। वो ऐसा नहीं कहे नहीं जल्दी जल्दी कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, तीन ही दिन बचे हैं, बहुत काम पड़ा है, बहुत कुछ करना है। कुछ काम है नहीं जीव को वास्तव में भगवत कथा श्रवण करने से।
परे। क्या कर्तव्य है जीव का? कृष्ण कथा श्रवण करने से परे और कोई कर्तव्य है जो करने लायक है? भगवान की कथा के ऊपर चिंतन करना, मनन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, ये सर्वोच्च कार्य है। इसे परम धर्म कहा गया है, सवई पुंसाम परो धर्मो, ये पर धर्म है। सभी धर्मों को लांगते हुए जो धर्म करने लायक है वो यही है, और कुछ नहीं है। भगवान भूत भावना, भूतों का, जीवों का जो पालन करते हैं, भावन का अर्थ है पालन करना, रक्षण करना, पालन करना, पोषण करना। जीवों का जो पालन करते हैं वे भगवान अवतीर्य अवतरित हुए। कहां अवतरित हुए? यदोर्वंशे। वास्तव में देखा जाए तो भगवान ही वो व्यक्ति है जो सब पूरे समस्त सृष्टि का पालन कर रहे हैं, और कोई नहीं। हम कुछ दिन पहले वृत्रासुर का कथा किए, उसमें वृत्रासुर इंद्र को कहता है, जब इंद्र मारने के लिए तैयार नहीं है तो इंद्र को वृत्रासुर कहता है कि इंद्र मारो, मृत्यु किसके हाथ में है, किसके कंट्रोल में मृत्यु है? किसी के भी नहीं, सब परम भगवान नियंत्रित करते। तो उसमें वृत्रासुर एक बहुत सुंदर बात कहते, कहते हैं कि मृत्यु और जन्म तो छोड़िए, श्वसन करना भी किसी के कंट्रोल में नहीं है। कोई श्वास भी लेना चाहे तो उसे भगवान का सैंक्शन होना बहुत आवश्यक है। इस क्षण अगर भगवान ये सोच ले कि अमुक अमुक व्यक्ति का सांस बंद करना है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। है कोई जो उसे रोक सकता है? भगवान के हम, और सांस बंद करना छोड़िए, सांस लेते रहना भी उनके नियंत्रण में। अगर कोई सोचे कि मैं सांस लेना बंद करना चाहता हूं तो वो भी नहीं कर सकता है। कोई अगर सोचता है कि मैं जीता ही रहूं तो वो भी उसके नियंत्रण में नहीं, और कोई अगर सोचता है कि मैं मर जाऊं तो वो भी उसके नियंत्रण में नहीं। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। हम श्वसन करते हैं वो भी फोर्सफुली। ऐसा कभी आपने सुना है कितने लोग आत्महत्या करते हैं ना, खुदकुशी करते हैं? ऐसा कभी सुना है कि कोई नाक बंद करके आत्महत्या कर लिया? कभी सुना है ऐसा? नाना प्रकार के उद्यम करते हैं, कोई जहर पीता है, कोई नस काट लेता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ, लेकिन आज तक कभी ऐसा सुना कि वो नाक बंद कर लिया, सांस बंद कर दिया और उसका गत प्राण हुआ? नहीं हो सकता है। ये भगवान की वजह से, भगवान की इच्छा से हम सांस ले रहे, भगवान की इच्छा से सांस रुकी। भगवान सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। देखिए, जीव माता के गर्भ में प्रवेश करने क्षण से उसका रक्षण भगवान करते हैं, उसका पालन भगवान करते हैं। भूत भावना, कैसे माता के उदर में जीव जीवित रहता है इतनी विषम परिस्थिति में, नाना प्रकार के कृमि कीटाणु उसे काटते रहते हैं, उसकी कोमल त्वचा को, कहाँ से उसे हवा मिलती है, कहाँ से पोषण मिलता है, कहाँ से अन्न मिलता है। शरीर जैसे ही तैयार होता है तो माता के शरीर से जोड़ दिया जाता है। कौन जोड़ता है? डॉक्टर जाके जोड़ता है ना, माता पिता जोड़ते, कौन करता है? और उसमें से भी सांस, उसे ऑक्सीजन प्राण दिया जाता है, उसे दाना पानी दिया जाता है। माता कुछ भी खाए लेकिन उसे जो आवश्यक है वही दिया जाता है, और जन्म होते ही उसके पोषण की व्यवस्था की जाती है। उस स्त्री के स्तनों में दूध नहीं है जब तक बच्चे का जन्म होता है, जिस क्षण बच्चे का जन्म होता है उस क्षण से उसके स्तनों में दूध आने लगता है। कौन व्यवस्था किया? और बाद में भी ऐसा कहते हैं, चींटी के लिए कण और हाथी के लिए टन की व्यवस्था की गई है ना?
एक मनुष्य ही ऐसा नालायक प्राणी है संपूर्ण सृष्टि में जो चिंता करता है और उसके मन में संदेह होता है कि मेरा क्या होगा। देखिए मनुष्य छोड़ के किसी के भी मन में यह संदेह नहीं कि कल मुझे खाने मिलेगा नहीं मिलेगा, है कल मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, किसी के मन में संदेह नहीं, इसलिए कोई संग्रह नहीं करता है। कोई प्राणी देखा है आज तक संग्रह करते हुए? कोई संग्रह नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि समय आने पर सब कुछ मिलेगा। हम कहते हैं कि हम पशुओं में विज्ञ है, लेकिन हमसे बड़ा आज्ञ कोई नहीं है, मनुष्य से बड़ा आज्ञ कोई नहीं है। जो ये भूल जाता है कि जो प्राप्त होना है वो भगवान की कृपा से प्राप्त होना है और जो जाना है वो भी उनकी इच्छा से जाना है। न जाने वाले को रोक सकते हैं, न रुकने वाले को भेज सकते हैं, ये भगवान की इच्छा से। भूत भावना, हर जीव की हर आवश्यकताओं को, हर जरूरत को पूरा करते हैं भगवान, हर इच्छा को पूरा करते हैं भगवान। हमारे मन में जो भी इच्छाएं उठती है ना, हर इच्छा को पूरा किया जाएगा। हमारा प्रॉब्लम एक ही है कि हम चाहते कि अभी पूरी हो। भगवान समय से परे है, उनको समय के अंदर आप बांध नहीं सकते। आप इच्छा प्रकट किए पूरी होगी, कब पूरी होगी उसका गारंटी नहीं। इसलिए इच्छा भी संभल कर करनी चाहिए। हर क्षण नाना प्रकार की इच्छा हमारे मन में उठती है और हर इच्छा पूरी होगी, भगवान उसके लिए कटिबद्ध है। हर जीव की प्रत्येक इच्छा वो पूर्ण करते हैं, कब करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। आज करेंगे कि 100 जन्म बाद करेंगे कि पता नहीं। अब हर इच्छा के लिए जब उसे पूर्ति होनी है तब तक हमें जन्म लेना होगा, तब तक मृत्यु का सामना करना होगा, क्योंकि हमारी इच्छा है ये करना होगा। ये शरीर छूटने से पहले हमारा अगला शरीर निश्चित होता है। जब वसुदेव और कंस के बीच का संवाद आएगा तो उसमें वसुदेव कहते हैं इस बात को, कंस घबराते क्यों हो, ये शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर भी तो है। तो वो आप उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार चलते समय व्यक्ति एक पैर रखने के बाद ही दूसरा पैर उठाता है ना, ऐसा है कि दोनों पैर हवा में, एक पैर रखने के बाद दूसरा पैर उठाता है, दूसरा रखने के बाद ये उठाता है, उसी प्रकार एक शरीर अगला शरीर निश्चित होने के बाद ही ये शरीर छूटता है। अगला शरीर निश्चित नहीं है, उससे पहले ये शरीर छूट जाए ऐसा कभी नहीं होता है। तो हम मरने से पहले हमारे आगे के शरीर नक्की करके मरने वाले हैं। कौन नक्की करता है कौन से शरीर हमको मिलेंगे और कितने मिलेंगे? हमारी इच्छा है ये नक्की करती है, हमारे मन में क्या इच्छा है। हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं, इसलिए उन्हें भूत भावन कहते हैं। जो चीज की जब आवश्यकता है तब प्राप्त होगा और जो इच्छा हम करते हैं वो भी पूरी होगी। भूत भावना कृतवान यानी विश्वात्मा। भगवान को यहाँ पर दो शब्दों से संबोधित किया गया है, एक तो भूत भावन, दूसरा विश्वात्मा। भगवान विश्वात्मा है, संपूर्ण विश्व के वे आत्म है। आत्म है का अर्थ क्या है कि सब कुछ उनसे ही चलायमान है, जीवित है। ये विश्व जीवित क्यों है? क्योंकि भगवान इसके अंतर स्थित है, हर कण कण में भगवान है। विश्वात्मा तानी नो वद विस्तरात, उनकी एक एक क्रिया को एक एक लीला को यहां पर आकर वे क्या किए विस्तार से बताइए। जैसे आपने अभी अभी दो श्लोकों में भगवान के पूरे चरित्र को बता दिया, नहीं नहीं वैसा नहीं सुनना है मुझे। यदुवंश में जो साक्षात भगवान श्याम सुंदर, भगवान गोविंद आविर्भूत हुए, उनके एक एक लीला को विस्तार से सुनना है। कृपया ये विस्तार से बताइए। निवृत्त तर्षेरुपगीयमानात् भवौ श्रद्धात् श्रोत्र मनोभिरामात्
उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विनाप शोघ्नात। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। महाराज परीक्षित कहते हैं कि निवृत्त तर्शेर उपगीय मानात भवौषधात श्रोत्र मनोभिरामा क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विनाप शोघ्नात। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, चाहे वो निवृत्त तर्शय हो, निवृत्त तर्शय का अर्थ है जिसकी तृष्णा निवृत्त हो चुकी है, जो विरक्त हो चुका है, चाहे वो विरक्त हो या भवौषधार या इस भवरोग के ऊपर औषधि ढूंढ रहा हो, इस भवरोग से निकलने का मार्ग ढूंढ रहा हो, यानी इस भवसागर में त्रस्त हो, चाहे वो भवसागर में त्रस्त व्यक्ति हो या निवृत्त तर्शयी, तृष्णा से निवृत्त हुआ विरक्त व्यक्ति हो, श्रोत्र मनोभिरामा जो इनकी लीलाओं को सुनेगा उनके मन को अभिराम आनंद प्राप्त होगा, ऐसे भगवान उत्तम श्लोक के गुणानुवाद को कपुमान विरज्येत। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो विरज्येत भगवान की कथाओं से, भगवान की लीलाओं से विरक्त होगा, बिना पशुघ्नात। जब तक कि व्यक्ति पशुघ्न नहीं है तब तक वो भगवान कृष्ण की लीलाओं से कथाओं से विरक्त नहीं हो सकता। पशुघ्न का अर्थ क्या है? पशु का हत्यारा, जो अनेक अनेक यज्ञों में पशु का आहुति देता है और स्वर्ग इत्यादि उच्च लोकों की प्राप्ति करने के लिए कर्म कांडों में लगा है, ऐसे व्यक्ति के सिवा ऐसा कौन है जो भगवान की कथा लीलाओं से बहिर्मुख हो सकता है? वो लीलाएं जो परम विरक्त व्यक्ति को भी आकर्षित करती है, जो इस भवसागर के लिए परम औषधि है, भवसागर में त्रस्त व्यक्ति के लिए एक ही औषधि है और वो है भगवान उत्तम श्लोक का गुणानुवाद। भगवान की लीला है, भगवान की कथा है, इसका गुणानुवाद, इसका श्रवण, इसका कीर्तन, यही भवसागर में फंसे हुए विचलित मन से जीने वाले व्यक्ति के लिए एकमेव औषधि है। हमारा मन बहुत विचलित रहता है ना, विचलित है ना मन कि नहीं है? हाँ, कहाँ विचलित है, कहाँ विचलित है? विषयों के पीछे विचलित है मन, संकल्प और विकल्प करते रहता है। संकल्प का अर्थ है ये करना है, करना है, करना है, करना है, सोचता है, फिर उसके लिए विकल्प आ जाता है, फिर दूसरा कुछ करने लगता है, फिर वो सोचते सोचते तीसरा ही कुछ सोचने लगता है। मन चंचल है, विचलित है, एकाग्र नहीं है, फोकस्ड नहीं है, नियंत्रित नहीं है, अनियंत्रित है, क्योंकि तृष्णा है, इच्छा है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, इच्छा है, मन में अनेक इच्छा है जिसको पूर्ति करने के लिए वो अनेक प्रकार से मनोरथ करते रहता है। आज ये करूंगा, कल ये करूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, हो कुछ नहीं रहा है, मन के रथ के ऊपर बैठकर भाग रहा है। एकाध संकल्प कर लेता है, फिर सोचता है हाँ फिर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, फिर वैसा होगा तो वैसा होगा, हाँ फिर मैं ये करूंगा और फिर ऐसा करने के बाद मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करके वो अगले 10-15 साल का प्लानिंग करता है। होता कुछ नहीं है, पहली स्टेप ही नहीं होती है, लेकिन वो पूरे 10-15 साल का प्लानिंग करके आ गया। इसे कहते हैं मनोरथ के ऊपर घूमने जाना। मन का रथ है वो हमको लेकर निकलता है घूमने के लिए। वो ये नहीं सोचता है कि बीच में जो हम सोच रहे उसमें से एक भी कड़ी चूक गई तो क्या होगा,
वो भागते रहता है, मनोरथेना असति धावतो बही, हराव भक्तस्य कुतो महद गुणात् मनोरथेना असति धावतो बही, वो मन के रथ के ऊपर भागता रहता है, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, बस फोकस कॉन्सेंट्रेशन एकाग्र चित्त नहीं होता है, क्योंकि मन भागता रहता है। इस भागते हुए मन को भी अभिराम देने वाली, संतुष्टि देने वाली अगर कुछ चीज है इस जगत में तो वो है भगवान की कथा। उत्तम श्लोक गुणानुवाद कपुमान विरज्यत, ऐसा कौन है जो इससे विरक्त हो सकता है बिना पशुगना, जब तक कि वो एक बहुत बड़ा पशु का हत्यारा नहीं है, पशु हत्या नहीं करता है, तब तक वो भगवान की तरफ आकर्षित होगा। निष्पाप पशुओं की हत्या करने से हमारा चित्त एकाग्र नहीं हो सकता, वो पाप है, उस पाप के चलते हम हमारे चित्त को शांत नहीं रख सकते, एकाग्र नहीं रख सकते हैं। बिना पशुघ्नात का एक और भी अर्थ है, बिना अपशुघ्नात। अपशुक कहते शुक यानी शोक, अपशुक कहते हैं आत्मा को जिसमें कभी भी शोक नहीं हो सकता है। आत्मा में शोक हो सकता है? अपशुक यानी जिसमें शोक नहीं हो सकता है, जो आनंद से बना है। आत्मा कैसा है? आनंदमयी है। आत्मा अपशुक है, आनंदमयी है, उसमें शोक नहीं हो सकता है। ऐसे अपशुक को, ऐसे आत्मा को घात करने वाला व्यक्ति, आत्मघाती व्यक्ति। आप कहोगे आत्मा तो नित्य है, चेतन है, उसका घात कैसे हो सकता है? आत्मघात करने का अर्थ यह है कि आत्मा को अपने स्वरूप से दूर ले जाना, उसे आत्मघात कहते हैं या आत्महत्या कहते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास। ये स्वीकार करता है आत्मा या मन? नित्यदास का अर्थ क्या है? नित्यदास का अर्थ क्या है? प्रतिक्षण अगर कुछ करना चाहिए तो भगवान का दास्यत्व करना चाहिए। करते हैं प्रतीक्षण, क्योंकि मन करने नहीं देता है, मन स्वीकार नहीं कर रहा है इस बात को। मन अभी भी कहता है कि भगवान का दास नहीं, तू तो स्वयं बॉस है, तू स्वयं भगवान है। भगवान को भी हम हमारा ऑर्डर सप्लायर मानते हैं, ये मेरी ये इच्छा ये इच्छा ये इच्छा इसको पूर्ति करो, भगवान तुम्हारे बाप का नौकर है। लेकिन हम समझते हैं, वास्तव में देखिए हम बोलते नहीं है लेकिन समझते भगवान को क्या है, कि वो हमारे बाप का नौकर है। आज ये देगा, कल वो देगा, परसों वो देगा, देगा देगा देगा, मांगते रहते भिखारी की तरह। क्यों क्यों मांगते हैं? क्योंकि हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, दास नहीं समझते। दास कभी डिमांड करेगा? हम डिमांड करते हैं, है ना, हम मांग करते हैं। मांग कौन कर सकता है? जो भोक्ता है वो मांग कर सकता है, जो स्वामी है वो मांग कर सकता है। हम मांगते हैं, हम में भोगने की इच्छा है। तो मन इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि हम कृष्ण के दास है। बस अब इस स्थिति तक आने के लिए जिससे हमारा मन अनुकूल हो जाए, इस बात को स्वीकार करने के लिए कि हम कृष्ण के दास है, क्या करना होगा? जो कुछ भी एक्स वाई जेड भक्ति की क्रिया है, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये करना होगा। अब ये नहीं करने वाला व्यक्ति क्या है? आत्मघाती है, अपशुघ्ना है, अपने जीव को उसके स्वरूप से दूर ले जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो आत्मघात करना चाहता है वही भगवान की लीला कथा को नहीं सुनेगा। इसका अर्थ है जिस क्षण जीव भगवान की लीला कथा को श्रवण करना प्रारंभ करता है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जिसे अपने स्वरूप में स्थित नहीं होना है वही केवल कथा से विरक्त हो जाता है, वही कथा से विरक्त होता है।
नहीं तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनेगा? ऐसा कोई भी नहीं। परीक्षित महाराज ये कहते हुए स्मरण करते हैं, पिता महा में समरे अमरंजय देवव्रताद्या अति अतिरथैर तिमिलंगई दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरम वत्स पदम स्म यत् प्लवहा। मेरे पितामह, पितामह कौन है महाराज परीक्षित के? अर्जुन और पांडव, पंच पांडव। मेरे पितामह समरे अमरंजय देवव्रत्याद्य, देवव्रत आदि या देवव्रत जिनके आद्य है, जिनके नेता है, ऐसे कौरव सैन्य सागर में जो दुरत्यय है, ऐसे सागर में मेरे पितामह जिसमें कई अतिरथी है, और वो अतिरथी कैसे है? तिमिंगल के समान है। तिमिंगल ही, तिमिंगल एक ऐसा भयानक मछली होता है जो बड़े बड़े मछलियों को भी खा सकता है। तिमिंगल कहते हैं, तिमिंगलई मछलियों को खाने वाला, बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को, ऐसा बृहद मछली होता है जो बड़ी बड़ी मछलियों को, शार्क तक को खा सकता है और व्हेल को भी खा सकता है, उसे तिमिंगल कहते हैं, बहुत बड़ी मछली। तो ऐसे समर सागर में, समर यानी युद्ध, ऐसे युद्ध में मेरे पिता महा फंसे थे, ऐसे सैन्य सागर के बीच फंसे थे जिसमें देवव्रत आदि बड़े बड़े तिमिंगल थे। देवव्रत किसे कहते हैं? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म जैसे बड़े बड़े तिमिंगल थे, उससे बचना केवल असंभव था। ऐसे कौरवों का सैन्य था। समरे अमरंजय, कैसा था कौरवों का सैन्य? कि अमर, अमर किसे कहते हैं? देवताओं को। देवताओं के ऊपर भी विजय प्राप्त करने का जिनमें सामर्थ्य था, जिनमें क्षमता थी, ऐसे भयानक सैन्य के विरुद्ध हमारे पिता महा युद्ध में, समर में उतरे थे। दुरत्ययम, उनको कोई हरा नहीं सकता था, कौरव सेना को संभव नहीं था। क्या एक एक योद्धा थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन, ये भयंकर योद्धा है, इन्हें हराना इतना आसान नहीं है। नाना प्रकार के योद्धा, जयद्रथ, हराना आसान नहीं था उन्हें। पितामह भीष्म जब तक अपना अस्त्र नीचे नहीं छोड़ते, द्रोणाचार्य जब तक अपना अस्त्र नीचे नहीं छोड़ते, उन्हें तो परास्त करना केवल देवताओं के लिए भी असंभव था, असंभव वस्तु थी, यह संभव नहीं था। ऐसे तिमिंगलों के बीच में हमारे पितामह फंसे थे, लेकिन कृत्वा तरण वत्स पदम स्मयत् प्लवः, लेकिन उन्होंने जिनके चरण कमलों का आश्रय लिया, और वो आश्रय लेते ही उनके चरण कमलों के नाव स्वरूप का आश्रय लेते हुए ही जो बहुत बड़ा समंदर था वो वत्स पद की तरह छोटा बन गया। ऐसा समंदर जिसमें हमको फेंका गया है, बड़े बड़े तिमिंगल है, उसको पार करना सहज है? अथांग समंदर, समुद्र कितना अथांग होता है उसका हमें अभी तक अंदाजा नहीं है। हम तो केवल देखे हैं, अंदर गए कहाँ है? गए हैं कभी? कभी जाइए किसी क्रूज पर, आजकल तो क्रूज पर भी भागवत कथाएं होती है, एकाध क्रूज पर चले जाना चाहिए, ऐसे पता चलेगा किसे कहते हैं सागर। भयानक होता है, जमीन दिखती नहीं है कहीं भी, पानी ही पानी, पानी ही पानी, और वो पानी भी रुद्र स्वरूप होता है। जब हम कहते हैं भव सागर, ये कोई
उसके गहराई को समझना चाहिए। शब्द के सागर किसे कहा जाता है, अथांग, कोई जीव का अस्तित्व ही नहीं है उसमें, संभव नहीं है कि ऐसे किसी सागर में गिरने पर कोई बच सके, संभव नहीं है, अथांग होता है। और नाना प्रकार के उसमें उद्यम होते रहते हैं, हम अंदाजा नहीं कर सकते। ये आसान नहीं है कि किसी स्विमिंग पूल में तर जाए वैसे सागर से कोई तर जा सकता है, कितना भी एक्सपर्ट स्विमर हो सागर में तैरना बहुत मुश्किल है और वहां से बचना तो असंभव है। जब तक कि किसी सक्षम नाव का आश्रय न लिया जाए, लेकिन ये तिमिंगिल जैसे जो मछलियां होती है तो बड़ी बड़ी नावों को भी खा जाती है, पता है आपको, इनसे बचना आसान नहीं है, बड़ी बड़ी नावों को उल्टा कर देती है। ऐसे समर सागर में मेरे पिता मां फंसे थे, लेकिन जिनके कृपा की वजह से वो संपूर्ण सागर एक वत्स पद की तरह छोटा बन गया। वत्स बछड़ा, बछड़ा जब कीचड़ में चलता है तो उसके पैर की वजह से एक गड्ढा तैयार होता है ना, कितना बड़ा होगा वो, कितना बड़ा होगा, गाय का भी नहीं कहा, किसका कहा, वत्स। गाय का भी बहुत बड़ा होता है, मानो गाय का 3 इंच 4 इंच होगा, वत्स पदम तो 1 या 1.5 इंच, ज्यादा से ज्यादा 1.5 इंच का, उतना छोटा अथांग सागर ये वत्स पद की तरह छोटा बन गया और उसमें से आसानी से तर गए। समाश्रिताते पदपल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, क्या है आगे, ब्रह्मा जी के ये शायद इसमें है, प्रोपद दिए है इसमें, ये समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधेर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम। ब्रह्मा जी की स्तुति में यह श्लोक आता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, आपके चरण कमलों में जो आश्रय लेगा, पद पल्लव प्लवम आपके चरण कमल, प्लव यानी नाव, आपके चरण कमल रूपी नाव में जो समाश्रित होगा, सम्यक आश्रय लेगा, संपूर्ण आश्रय लेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा, सुबह का 2 घंटा आश्रित है बाकी भोग करने के लिए, समाश्रित प्रत्येक क्षण अपने आप को भगवान के चरण कमलों में जो आश्रित समझता है, किसी का आश्रय ग्रहण करना ये आनंद देने वाली चीज है। लोगों को लगता है कि क्यों मैं उसके ऊपर आश्रित रहूं, डिपेंड रहना कोई हमारी, और वो भी सुरुद हो, सुरुद के ऊपर आश्रित रहना ये व्यक्ति को टेंशन फ्री बना देता है ना। बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित रहता है, जब तक आश्रित है तब तक वो इनोसेंट है, फ्री है, उसे कोई बात का चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण वो सोचता है कि नहीं 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 अब मैं इंडिपेंडेंट बन गया हूँ, कि इंडिपेंडेंट नेचर है ना, यही जीव को डिपेंडेंट बना देता है। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट सोचता है तो माया के ऊपर डिपेंड बन जाता है। यही वो अगर अपने आप को कृष्ण के ऊपर डिपेंड करेगा तो वास्तविक रूप से इंडिपेंडेंट बन जाएगा, माया से इंडिपेंडेंट बन जाएगा। और कृष्ण के ऊपर डिपेंड होना ये आनंद देने वाली वस्तु है। समाश्रित सम्यक आश्रय, समाश्रितते पदपल्लव प्लवम, आपके चरण कमल रूपी नाव में आश्रय लिया हुआ व्यक्ति महत पदम पुण्य यशो मुरारे, ये महत पद को प्राप्त करता है। और ऐसे महत पद को प राप्त किया हुआ व्यक्ति भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, ये संपूर्ण भवाम बुधि जो है, अम्बुधि का अर्थ है सागर, अम्बु यानी पानी, और अंबु की धी या निधि यानी
सागर जिसमें बहुत बड़ा बहुत बड़ी मात्रा में पानी है उसे अम्बुधि कहते हैं, और भवाम्बुधि भवसागर, भवसागर में पड़ा हुआ व्यक्ति अगर आपके चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लेता है तो ये अथांग भवसागर जो है ये वत्स पद की तरह छोटा बन जाता है। अथांग है जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत है। भवसागर से निकलना केवल असंभव है जब तक कोई व्यक्ति भगवान के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेता है। भवसागर से तर जाना असंभव है, मुश्किल नहीं असंभव है। लेकिन वही अगर भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय ले ले तो ये असंभव भवसागर मुश्किल तो छोड़िए आसान बन जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए भवसागर को लांघना या किसी भी सागर को लांघना असंभव है, लेकिन वत्सपद को लांघना वो तो रेंगते हुए बच्चा भी कोई लांघ जाएगा, है कि नहीं? चलने वाला छोड़िए, जो रेंग रहा है ना बच्चा जिसे चलना नहीं आता है, वो भी आसानी से लांघ जाएगा। इतना छोटा बन जाता है, इतना आसान बन जाता है कार्य जब कोई व्यक्ति भगवान के श्री चरणों में आश्रय लेता है। लोगों को अपना लाइफ कॉम्प्लिकेट करने की बहुत इच्छा होती है, पता नहीं क्यों अपना लाइफ कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं, सब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम उसी क्षण जिस क्षण हम भगवान का आश्रय नकारते हैं। और जिस क्षण भगवान को आश्रित हो जाते हैं हमारा लाइफ सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है। और किस पद को प्राप्त करते हैं तो कहते हैं पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, जिस स्थान पर पद पद पर विपदा नहीं है ऐसे पद को हम प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ है कि जहां पर अभी हम है वहां पर पद पद पर विपदा है। पदम पदम विपदाम ही तेषाम, ये ही तेषाम है। हर पद पर विपदा है, हर पद पर विपदा है। कुछ भी करेंगे तो पता नहीं कब क्या घात होगा, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन व्हेन। कल तक सब ठीक था, आज पूरा लाइफ चेंज हो गया। चलते चलते व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। सुबह गया हुआ व्यक्ति शाम को घर आया नहीं, आया तो भी वन पीस नहीं आया, पूरा लाइफ चेंज हो गया, घर वालों का, उसका, न जाने किस किस का। पद पद पर विपदा है। इससे सुरक्षित रहने के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना आवश्यक है। महाराज परीक्षित याद कर रहे हैं वे भगवान जिन्होंने मेरे कुल की रक्षा की है। कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए उसके पास एक विशेष अस्त्र था, क्या नाम था उसका? हाँ, अश्वसेन अस्त्र ना, अश्वसेन ऐसा कुछ नाम था उस अस्त्र, भीषण अस्त्र था। ऐसा अस्त्र था कि जिसको चलाने के पश्चात अर्जुन बचना असंभव है, और कर्ण ने उसे बचा के रखा था अर्जुन के लिए। अब उसका उपयोग किया और अर्जुन के ऊपर चलाया। कृष्ण ने इस बात को देखा तो कृष्ण तो सारथी थे, है ना? उन्होंने केवल अपने पैर से उस रथ के डेक के ऊपर जोर से पैर मारा, डेक होता है ना फ्लोर रथ का, उसके ऊपर पैर मारा। तो जैसे ही पैर मारा तो उसका एक्सल टूट गया रथ का और रथ नीचे बैठ गया, और वो बाण आकर अर्जुन के मुकुट को लगा और निरस्त हो गया, नहीं तो अर्जुन बचता नहीं था, संभव नहीं था। नाना प्रकार से पांडवों की रक्षा की है, मेरे पूरे कुल की रक्षा की है उन भगवान ने। उनकी कथा को मेरे को सुनना है, क्या किया उन्होंने, वो कौन है, क्यों हुआ है, किस प्रकार उन्होंने यहां पर लीला की, वो सब मुझे सुनना है।
और फिर कुल की रक्षा की, स्मरण करते करते स्मरण करने लगे, अरे कुल की छोड़ी, इन्होंने मेरी भी तो रक्षा की है। तो कहते हैं द्रोणास्त्र विप्लुष्टम इदम मदंगम संतान बीज कुरुपांडवानाम जुगोपकुक्षिम गत आत्त चक्रो मातुश्च मे यह शरणम गताया। इन्होंने मेरी भी तो रक्षा की है। द्रोणास्त्र विप्लुष्टम इदम मदंगम, द्रोण्य या द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के अस्त्र से मेरा ये अंग, मेरा ये शरीर विप्लुष्ट नष्ट होने वाला था, और मैं संतान बीज कुरु पांडवा नाम, कौरव और पांडवों का मैं अकेला वारिस, एक ही संतान बीज बचा था। ये कथा प्रथम स्कंद के सातवें अध्याय में प्राप्त होती है। महाभारत के युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारका प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए और निकल पड़े रथ के ऊपर आरूढ़ होकर। और तभी महारानी कुंती उनसे प्रार्थना किए। उसके पहले क्या हुआ कि उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी है और वो गर्भवती थी, वो दौड़ते हुए भगवान के पास आई, पाही पाही दौड़ते हुए आई और कहने लगी कृष्ण मेरी रक्षा करो। तो हुआ यूं था कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, 6 ब्रह्मास्त्र उसने छोड़े थे, 5 पांडवों के ऊपर और 6ठा उत्तरा के गर्भ के ऊपर जिसमें महाराज परीक्षित थे गर्भावस्था में। तो इन पांडवों के ऊपर डागे गए ब्रह्मास्त्र को तो भगवान ने निरस्त कर दिया। अब 6ठा जो अस्त्र था वो महाराज परीक्षित के ऊपर था और उत्तरा आई, भगवान को शरण गई और कहा कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे मेरी संतान बचनी चाहिए, मेरे गर्भ की रक्षा करो। जुगोप कुक्षिम गत आत्त चक्रो, वे भगवान चक्र लेकर और गदा लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश कर गए, कुक्षिम उसके कुक्षी में प्रवेश किए और मातुश्च मे यह शरणाम गताया, जो शरणागत मेरी माता थी उसके कुक्षी में वे प्रवेश किए, आत्त चक्र हाथ में चक्र लेकर और गदा भी लेकर, और जुगोप वहां पर जाकर उन्होंने मेरी रक्षा की। इसका स्मरण परीक्षित महाराज करते हैं। क्या आवश्यकता थी? वैसे तो भगवान सर्वशक्तिमान है, जहां है वहां पर खड़े रहकर ही महाराज परीक्षित की रक्षा कर सकते थे, लेकिन इतना स्नेह था उनके पांडवों के प्रति कि पांडवों का ये वारिस है उसकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं गए। हमारा कुछ छोटा मोटा काम होता है तो हम हमारे किसी लोगों को बोल देते जाकर करके आओ, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण काम होता है तो हम स्वयं जाते हैं ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। भगवान की अनंत शक्तियां है लेकिन भगवान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, वो खुद गए और जाकर उन्होंने क्या किया, और गए तो गए, चक्र लेकर गए साथ में गदा भी लेकर गए। क्यों? विष्णु चक्रवर्ती लिखते हैं कि भगवान के मन में संदेह आया, पता नहीं अगर चक्र काम नहीं किया तो गदा भी होनी चाहिए साथ में, एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स। स्नेहवश, ऐसा नहीं कि चक्र फेल होगा या गदा फेल होगी, नहीं, स्नेहवश, इतना स्नेह है उनका हमसे कि उन्होंने माता के गर्भ में प्रवेश कर मेरी रक्षा की है। और महाराज परीक्षित इतने सद्भाग्यशाली है कि उन्होंने उस गर्भावस्था में भी भगवान का सर्वांग सुंदर दर्शन किया था चतुर्भुज रूप में। अब जब उनका जन्म हुआ, गर्भ से बाहर आए तो देखने लगे, कहा है वो स्वरूप जिसका दर्शन मुझे मेरे माता के गर्भ में हुआ था। हर जगह वो वही
हर व्यक्ति में वो उसी व्यक्ति को परीक्षण करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। उसी रूप को ढूंढते थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। एक नाम है परीक्षित, दूसरा नाम है विष्णुरात। परीक्षित महाराज का एक नाम है, वो आएगा आगे। भगवान स्वयं उनकी रक्षा किए, इसलिए उनका नाम है विष्णुरात। इसका स्मरण कर रहे हैं, अरे मेरा कुल का छोड़िए, मेरे स्वयं का उन्होंने कितना बड़ा उपकार किया है मुझ पर, मेरी रक्षा करके, ये स्मरण कर रहे हैं। व्यक्ति को वास्तविक है ना, ऐसे देखिए, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान आदान प्रदान निश्चित करते हैं, करते कि नहीं करते, करते कि नहीं करते। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति होती है जब हमको भगवान बहुत बड़े संकट से बचाए होते हैं, होता है ना। एक बार कुछ वर्षों पहले की बात है, वैसे वैयक्तिक उदाहरण कभी देना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसी वस्तु है जिसका साक्षात्कार हमें होते रहता है। किस प्रकार भगवान की कृपा को देखना चाहिए प्रत्येक स्थिति में। मैं हमारे दूसरे निवास स्थान पर था, जहाँ पर मेरा स्टडी टेबल जो है उसके ऊपर एक बुकशेल्फ था, और बुकशेल्फ को कांच का दरवाज़ा था, तो वो दरवाज़ा पता नहीं खुला रह गया और कुछ कारणवश मैं जोर से उठा तो उसका कॉर्नर था कांच का, वो मेरे सर पे लग गया और बहुत खून आने लगा, बहुत दुखने भी लगा। तो कुछ हुआ, खून रुक गया, हो गया, मैं जाकर बाद में भगवान को दंडवत किया, तो अनायास मेरे सामने और एकाएक एक दृश्य आया कि मैं मेरे बिल्डिंग से बाहर निकल रहा हूँ और एक बस ने आकर मेरी गाड़ी को ठोक दिया। ऐसा दृश्य मेरे आंखों के सामने आया, मुझे पता नहीं चला क्या कनेक्शन है। फिर समझ में आया कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, वो बहुत छोटे केस में निकल गया। तो ये रेसिप्रोकेशन भगवान करते रहते हैं, और ये होता है। इसको स्मरण करना चाहिए, भगवान ने कब कब हमको बहुत बड़े संकट से बचाया है। जब हम इस बात का स्मरण करते हैं तो मन में, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। महाराज परीक्षित ऐसे भयानक परिस्थिति का स्मरण कर रहे थे, जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब आपके ऊपर टारगेट किया गया हो। हाँ, ब्रह्मास्त्र कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से छोटा थोड़ी है, और उससे आपको कोई बचा ले, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। ऐसे परिस्थितियों को याद करना चाहिए, बारंबार याद करना चाहिए। अभी हमारे आंखों के सामने घटना घटी डिसग्रेस सर्वलक्षण प्रभु की। 20 दिन पहले की बात है, डॉक्टर ने कहा था कि केवल 3% चांसेस है बचने के, और आशा छोड़ दी थी सबने। उनके रिश्तेदारों को बुलाया गया, वो आए भी। मिरेकल। मैं आज सुबह महावीर प्रभु से चर्चा कर रहा, तो महावीर प्रभु कहे कि प्रभु जी, मुझे पूरा विश्वास था वो इससे निकल के आएंगे, बिकॉज ही इज अ वॉरियर। जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है वो प्रभुपाद के वॉरियर्स है, ही इज अ वॉरियर, ही नोज हाउ टू फाइट, महावीर प्रभु मुझे कह रहे थे। तो ये भगवान का आदान प्रदान है। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को इतना बड़ा साक्षात्कार प्राप्त हो, क्या उसके हृदय से भगवान का स्मरण कभी भी जा सकता है, या वो भगवान की कृपा को कभी भी भूल सकता है। ये भगवान की कृपा है। हमारे जीवन में भी ऐसे छोटे मोटे, इतना बड़ा हादसा शायद नहीं हुआ होगा कि हम वेंटिलेटर के ऊपर से वापस आए हो, लेकिन फिर भी छोटा मोटे हादसे तो होते रहते हैं। इसको, ये वास्तविक हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, ये हमारा धन है, ये अनुभव जो भगवान हमें देते हैं, ये आदान प्रदान जो भगवान हमसे करते हैं, ये वास्तविक हमारा धन है।
इसको बड़ी सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए और इसका स्मरण करना चाहिए। महाराज परीक्षित उस बात का स्मरण करते हैं और उनकी उत्कटता और बढ़ती है। विर्याणी तस्य अखिल देह भाजा अंतर बहिर पुरुष काल रूपई प्रयच्छतो मृत्युम मृत्युम अमृत मृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। उन भगवान के क्रियाओं को, महत्ता को, वीर्य को बताइए, वीरता को बताइए जो अखिल देह भाजा, जो प्रत्येक जीव के अंदर निवास करते हैं। अखिल देह भाजा, जो प्रत्येक देही है उसके देह में निवास करते हैं। अखिल 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 का अर्थ है जो कोई भी हो, भगवान से अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, प्रत्येक जीव के अंदर वे निवास करते हैं। तो कहते हैं अंतर बहि पुरुष काल रूपी प्रयच्छतो मृत्युम उतामृतच्च। बहुत सुंदर रचना है। अंतर बहिर, कुछ लोग होते हैं वो अंतर्मुख होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो बहिर्मुख होते हैं। अंतर्मुख का अर्थ है भगवान की तरफ अंतर्मुख होना, और कुछ लोग होते हैं वो भगवान की तरफ बहिर्मुख होते हैं। ये दोनों के देह में निवास करने वाले हैं, अंतर्मुख जन के अंदर भी और बहिर्मुख जन के अंदर भी। जो भगवान के प्रति अनुकूल भावना रखते हैं उनके अंदर भी भगवान है, और जो प्रतिकूल भावना रखते हैं उनके भीतर भी भगवान है, परंतु दोनों से उनका व्यवहार अलग अलग है। कैसा अलग अलग है? जो अंतर जन है, जिनके पास अंतर दृष्टि है, जो अंतर्मुख जन है, उनके लिए वे पुरुष के रूप में आते हैं, भगवान के रूप में आते हैं। उनके साथ वे व्यक्तिगत संबंध रखते हैं, उनके साथ व्यक्तिगत आदान प्रदान होता है, इसलिए पुरुष, पुरुष व्यक्ति है ना। भक्त के साथ भगवान का व्यक्तिगत आदान प्रदान होता है। कई बार लोग पूछते हैं कि आपने भगवान को देखा है? हर रोज देखते हैं। कौन ऐसा भक्त है जो भगवान को नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? हर रोज देखते हैं। भक्त हर स्थान पर भगवान को देख सकता है। पानी का गिलास उठाएगा तो भी उसे याद आएगा रसो हम अब सुकौनते, पानी का स्वाद मैं हूं भगवान बोलते हैं। क्यों नहीं भगवान का दर्शन होगा? हर स्थान पर भगवान का दर्शन होता है, हर कण कण में भगवान का दर्शन होता है, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का दर्शन होता है, क्यों नहीं होगा? वही तो है भक्त जो भगवान का दर्शन कर पाता है। भक्त को भगवान का दर्शन होता ही है। भक्त भगवान के नित्य सान्निध्य में निवास करता है, चाहे वो कहीं भी हो, नरक में हो चाहे ब्रह्मलोक में हो, वो भगवान के साथ होता है। इसे कहते हैं अंतर्मुख जन। अंतर्मुख व्यक्ति के लिए वो पुरुष के रूप में आते हैं, और बहिर्मुख व्यक्ति के रूप व्यक्ति के लिए वो काल रूप ही काल के रूप में आते हैं, मृत्यु के रूप में आते हैं, और प्रयच्छतो और प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? अंतर्मुख व्यक्ति के लिए अमृत प्रदान करते हैं, और बहिर्मुख व्यक्ति के लिए मृत्यु प्रदान करते हैं, अमृतत्व प्रदान करते हैं। जो उनके भक्त है उनको अमृतत्व प्रदान करते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। इसे कहते हैं अमृतत्व। फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में उसे नहीं डालते हैं, अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के चक्र में वो उसे अमृतत्व देते हैं। किस रूप में आकर? पुरुष के रूप में आकर। और वही जो बहिर्मुख व्यक्ति है उसका भी कल्याण ही करते हैं। भगवान किसी का अमंगल कर नहीं सकते, वो हर किसी का मंगल करते हैं, लेकिन अलग प्रकार से। भक्त के लिए वो पुरुष के रूप में आते हैं, व्यक्ति के रूप में आते हैं, और उसे प्रेम प्रदान कर अमृतत्व प्रदान करते हैं। और अभक्त के लिए, बहिर्मुख व्यक्ति के लिए, वो काल के रूप में आते हैं, मृत्यु के रूप में आते हैं, भय के रूप में आते हैं, और मृत्यु के रूप में आकर उसका सब कुछ मंगल अमंगल हर कर ले जाते हैं।
मृत्युम सर्व हरश्चामि, मैं मृत्यु के रूप में आता हूं और सब कुछ हर के ले जाता हूं। तो चाहे कोई स्वीकार करे ना करे, भगवान सब सफाया करने वाले हैं, इसलिए उनको हरि कहा जाता है। सब कुछ हर लेते हैं, मंगल अमंगल सब कुछ हर लेते हैं, पाप पुण्य सब कुछ हर लेते हैं, जीवन हरते हैं, सब कुछ वो हरते हैं। लेकिन जो भक्त होता है उसे प्रेम देकर उसका मन भी हर लेते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। प्रेम दिया हरे मन, हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन, चैतन्य महाप्रभु कहे। हरि शब्द के अनेक अर्थ है लेकिन दो मुख्य है। एक क्या है, जो सब अमंगल को हरते हैं वो है हरि, और प्रेम देकर जो मन को हरते हैं वो है हरि। ये हरि शब्द का अर्थ है। मुझे उन भगवान के विषय में सुनना है जो अखिल देह भाजा है, जो हर जीव के हर देही के अंदर निवास करते हैं। अगर अंतर्मुख व्यक्ति है तो उसके लिए पुरुष के रूप में आकर उससे आदान प्रदान करते, और अगर बहिर्मुख व्यक्ति है तो उसके लिए मृत्यु के रूप में आकर उसका सब कुछ छीन जाते हैं। माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन, वो अपनी माया से, अंतर माया से, या अपनी आत्म माया से, या योग माया से मनुष्य का रूप धारण करते हैं, ऐसे भगवान के विषय में मुझे सुनना है। यह है महाराज परीक्षित का जिज्ञासा। ये कहते हुए अब स्पेसिफिक प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं, रोहिण्या स्तनय प्रोक्तो रामा संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। आपने अभी अभी बताया कि रोहिण्या स्तनय राम प्रोक्तो, राम या बलराम को रोहिणी पुत्र कहा जाता है या रोहिणी तनय कहा जाता है, और उसे संकर्षण भी कहा जाता है, आपने बताया। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि वो देवकी का सातवां गर्भ था, उसका देवकी के साथ भी संबंध है। वो देवकी का सातवां गर्भ था तो ये देवकी का सातवां गर्भ देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कैसे चला गया, और वो भी देहांतरम विना। कोई व्यक्ति एक गर्भ से दूसरे गर्भ में जाए बिना देहांतर किए, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हुआ, इसका मुझे थोड़ा जिज्ञासा है, इसके बारे में मुझे बताइए। बलराम जी का एक नाम है संकर्षण, योग माया उसे देवकी के गर्भ से स्थलांतरित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित की, इसलिए उनका एक नाम है संकर्षण, यहां से उठाकर वहां पर आकर्षित किया। आज बलराम पूर्णिमा है, बिना भगवान बलराम की कृपा के कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त की जा सकती। भगवान श्री कृष्ण सेव्य भगवान है और भगवान बलराम ये सेवक भगवान है, ये दोनों में कदाचित भी अंतर नहीं है। अंतर एक ही है कि एक सेव्य है दूसरे सेवक है, बस। ये भी भगवान है वो भी भगवान है, लेकिन एक सेवा स्वीकार करते हैं और एक सेवा करते हैं। बलदाऊ जी महाराज ये भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं निरंतर रूप से, और समस्त रसों में, सभी रसों में भगवान की सेवा करते हैं। शांति रस में भी करते हैं, दास्य में, साख्य में, वात्सल्य में भी करते हैं, और माधुर्य में भी करते हैं। अनंग मंजरी बनकर माधुर्य में सेवा करते हैं, बलदाऊ बनकर, बड़े भाई बनकर वात्सल्य भाव की सेवा करते हैं। वन में वृंदावन विहार करते समय खेलते हुए साख्य भाव की सेवा करते हैं,
और जब कृष्ण बहुत थकते हैं वृंदावन विहार करते करते तो उन्हें लेटाते हैं और उनके चरण संवाहन करते हैं दास्य भाव से। और वृंदावन की अनेक महिमा माधुरी के रूप में अपने आप का विस्तार करके शांति रस में भी सेवा करते हैं। वे बलदाव जी महाराज लक्ष्मण बनकर आते हैं, वही शेषनाग है, वही अनंत है, वही नित्यानंद प्रभु है। उनकी कृपा के सिवाय भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना केवल असंभव है, ये संभव नहीं है। तो उनके बारे में जिज्ञासा की, ये जिज्ञासा है, ये अभी तक कथा प्रारंभ नहीं हुई है, ये तो जिज्ञासा कर रहे। देखिए जिज्ञासा कितनी उत्कट है। कथा का आविष्कार तभी होता है जब श्रोता की जिज्ञासा उत्कट हो। चार रात चार दिन न खाए हैं, न पिए हैं, न सोए हैं और परीक्षित महाराज सामने बैठे हैं, वो अगर सोने लग जाते कथा में तो क्या सुखदेव गोस्वामी कथा कहने लगते? जरा सोचिए। उनकी इस उत्कटता को देखते हुए भगवत कथा का आविष्कार हुआ। कुतो देहांतरम विना, उनका देहांतर तो हुआ नहीं लेकिन फिर भी वो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में गए कैसे, उसका कृपा करके कथन कीजिए। कहते कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहात व्रजम गतः व वासम ज्ञाति भी सारदम कृतवान सात्वताम पति। कैसे क्या भगवान मुकुंद पिता के घर से व्रजम गतः, उनका जन्म एक जगह हुआ, गए और कई, कहा गए ब्रज गोकुल गए, और क्व वासम ज्ञाति भी सारदम, और किस स्थान पर अपने कौन कौन से ज्ञाति कहते हैं संबंधियों को, कौन कौन से संबंधियों के साथ किस स्थान पर विवास किए, कृतवान सात्वताम पति, और क्या क्या उनके कार्य रहे। सात्वत पति भक्तों के जो पालक है वे भगवान श्री कृष्ण का क्या क्या कार्य रहा। यहां पर ये मुकुंद शब्द जो आया है ना भगवान के लिए, मुकुंद का अर्थ क्या है? मुकुंद का अर्थ क्या है? मुक्ति प्रदान करने वाले, है ना, मुक्ति प्रदाता को मुकुंद कहा गया है। तो यह कहते हैं कि अगर वो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं तो कंस से अपने माता पिता को मुक्ति प्रदान करनी चाहिए थी, वो छोड़कर ब्रज क्यों गए? वो आए थे मुक्ति का इस धरातल का भार मिटाने के लिए, अपने माता पिता का दुख मिटाने के लिए। माता पिता बैठे हैं जेल में, उनकी छे छे गर्भों को कंस ने मार दिया, इनका आविर्भाव हुआ तो उनको मुक्त करने के बजाय ये तो चल दिए ब्रज, ऐसा क्यों किए? मुकुंद शब्द का और एक अर्थ जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, जो मुक्ति को कुत्सित करके आनंद प्रदान करता है वो है मुकुंद। मुक्ति कु कुत्सित और आनंद प्रदान करता है। मुक्ति को कुत्सित करके कौन सा आनंद प्राप्त होता है, या कौन सा आनंद है जो मुक्ति की भावना को या मुक्ति के आनंद को भी कुत्सित कर दे? प्रेमानंद। भगवत भक्ति में जो आनंद है, भगवत प्रेम प्राप्त होने पर जो आनंद प्राप्त होता है वो मुक्ति को भी कुत्सित कर देता है। भगवान मुकुंद मुक्ति को कुत्सित करने वाला, आनंद प्रदान करने वाले हैं। अब वे ब्रज में गए ही इस आनंद की वर्षा करने के लिए, तो ऐसा उन्होंने क्या क्या किया जिससे ये प्रेमानंद की वर्षा वे किए, इन सब कथाओं को, इन सब लीलाओं को मैं सुनना चाहता हूं। कहां कहां गए वो? ब्रज में गए ब्रज गोकुल, वहां से फिर वो वृंदावन गए, नंदग्राम गए,
किस किस के साथ गए, क्या क्या किए, वो सब मैं सुनना चाहता हूँ। पितुर्गेहात् व्रजं गतः क्व वासं ज्ञातिभि सार्धम्, अपने संबंधियों के साथ और क्या क्या किए, क्या क्या लीलाएं किए, सात्वताम पति ही मैं सुनना चाहता हूँ। व्रजे वसन किम अकरोन मधुपुर्याम च केशव भ्रातरम चावधिक कमसम मातुर अद्धातत अर्हणम। और व्रजे वसन किम अकरोन, व्रज में रहकर उन्होंने क्या किया, और व्रज में रहते रहते वो अचानक मधुपुरी आ गए, मधुपुरी यानी मथुरा, मधुपुरी कहते हैं मथुरा, वो मथुरा आ गए। ये मधुपुरी मथुरा और द्वारिका दोनों को कहते हैं, यदुपुरी भी शब्द आया है, मधुपुरी भी शब्द आया है। तो वे मथुरा आए और मथुरा आकर उन्होंने क्या किया, मधुपुरियाम च केशव, कौन आए मधुपुरी, केशव, केशव का अर्थ क्या है, क ब्रह्मा ईश रुद्रो वर्यते इति केशव। जीव गोस्वामी पाद इसका व्याख्या देते हैं, क कहते हैं ब्रह्मा को, क ब्रह्मा का नाम है, कवि, कवि भी नाम है ब्रह्मा का, क कह यानी ब्रह्मा, ईश यानी शिव, शिव को ईश या ईश्वर कहते हैं ना, महेश्वर। ब्रह्मा और शिव के जो वर्यते, उनसे जो श्रेष्ठ है, उन्हें केशव कहते हैं, जो ब्रह्मा और शिव के भी ईश्वर है, या ब्रह्मा और शिव भी जिनकी सेवा करते हैं, उन्हें केशव कहते हैं। तो ये भगवान केशव मधुपुरी क्यों आए, और आने के बाद उन्होंने क्या किया, भ्रातरम चावधित कंसम मातुर अद्धातद अर्हणम। मातुर भ्रातरम, अपनी माता के भाई को जिसका नाम था कंस, उसे अवधित, उसे मार दिया, उसका वध किया। अतद हरणम, कोई अपने मामा को मारता है भले, अतद अर्हणम, अर्हणम का अर्थ है डिजर्व, वो डिजर्व नहीं करता था, मामा होने के नाते उन्होंने उसको मारना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने मारा, क्यों मारा, क्या हुआ जिसकी वजह से अपने मामा को उसने मारा, किसने मारा, केशव, केशव ने मारा। जो मारना चाहे तो उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, और जो अगर रक्षा करना चाहे तो उसे कोई मार नहीं सकता है, ऐसे भगवान ने कंस को मारा, क्यों मारा, क्या कारण था कि जिसके वजह से ना ब्रह्मा और शिव भी उसे बचा पाए। ये सब मैं सुनना चाहता हूं। देहम मानुषम आश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णि भी यदुपुर्यान सहावात्सित पत्न्या काति अभवन प्रभो। इन्होंने मनुष्य देह में आश्रित होकर या मनुष्य देह धारण करके, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने हमारे जैसे माया का शरीर धारण किया, खाली आकार हमारे जैसा है, शरीर भगवान का चेतन है, नराकार रूप में केवल वे आए, इसलिए कहते हैं देहम मानुषम आश्रित्य। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना, मानुषम देहम आश्रित, क्या श्लोक है, इसके पहले क्या है, मानुषिम तर्माश्रित, मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति मैं जब मानुषिम तनुमाश्रित, मनुष्य देह को धारण करता हूं, तो मूढ़ व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मैं कौन हूं, वो समझ नहीं पाता है, वो समझता है कि ये एक साधारण व्यक्ति है। लोग कहते हैं ना, कृष्ण इज अ सुपर ह्यूमन, हाँ उन्हें थोड़ी बहुत इधर उधर की कार्य कर लिए, बट ही इज नॉट गॉड, ही इज सुपर ह्यूमन।
ये मूढ़ लोग हैं, ये समझ नहीं पाते हैं भगवान कौन है। ये मनुष्य देह में आए और मनुष्य जैसे ही कार्य किए। कति वर्षाणि वृष्णि भी यदुपुर्याम सहवात्सित, कितने साल तक वे यहां पर लीला किए। यदुपुरी कहते हैं द्वारिका को, और द्वारका में सहवात्सित वास करते हुए पत्निया कति अभवन प्रभो, कितनी पत्नियों के साथ उन्होंने विवाह किया और किस प्रकार से उनकी गृहस्थी चली। महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर रहे हैं, वास्तव में भगवान का जो गृहस्थ जीवन है उसकी चर्चा भागवत में हुई है। नारद मुनि स्वयं गए थे भगवान के गृहस्थ जीवन को देखने के लिए। एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी गया था गृहस्थ जीवन को देखने के लिए। भगवान गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा आदर्श रखे हैं। प्रतिदिन प्रातः उठकर अपने नित्य क्रम को करते हुए गृहस्थ जीवन कैसे बिताना चाहिए, इसका एक मिसाल वे स्वयं रखे। उनकी गृहस्थी इतनी सुष्ठु थी कि उसे देखने के लिए नारद मुनि वहां पर जाकर रुके द्वारिका में। इसकी जिज्ञासा परीक्षित महाराज के तब जाकर वो वर्णन आया है। देखिए कथा कहाँ से उत्सुक हुई, ये सब जिज्ञासा परीक्षित महाराज ने की है। कितने वर्षों तक वे वृष्णि कुल में रहे इस धरातल पर प्रकट रूप में, और कितनी पत्नियों के साथ पत्नया कति उन्होंने विवाह किया और किस प्रकार से उनकी गृहस्थी चली, ये सब मुझे सुनना है। एतद अन्यच सर्वम में मुने कृष्णम विचेष्टितम, और ये और इसके साथ जो मुझे नहीं पता है और आपको पता है वो सब आप मुझे बताइए। कृष्ण विचेष्टितम, भगवान कृष्ण की चेष्टा है, उनकी क्रिया है, उनकी लीला है। वक्तुम अरहसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृता, आप बोलने के लिए योग्य व्यक्ति हो और हम श्रद्धान, क्योंकि हमारे मन में श्रद्धा है इसलिए हम सुनने के लिए योग्य व्यक्ति है, आप विस्तार से बताइए। वक्ता अनुकूल है, श्रोता अनुकूल है, देश अनुकूल है, काल अनुकूल है, परिस्थिति अनुकूल है, आप बताइए, कोई समय का बंधन नहीं है, विस्तार से बताइए। महाराज परीक्षित चार दिन से भूखे प्यासे न सोए थे, न खाए थे, न पिए थे, न जगह से उठे थे, न उठने दिए थे किसी को इस अवस्था में श्रवण कर रहे थे, और अभी भी उनमें उत्साह देखिए कैसा है। सुखदेव गोस्वामी ये सुनने के बाद थोड़ा चकित हुए कि विस्तार से बताइए, भूख प्यास नहीं लगी है, कुछ तो लगी होगी ना भूख प्यास। नहीं नहीं भूख प्यास मुझे नहीं लगी है। नैषा अति दुस्सह क्षुद्ध माम त्यक्तोदम अपि बाधते पीवंतम त्वम मुकाम भोज अच्युत हरि कथामृतम। न एषा अति दुस्सह क्षुत, क्षुत कहते क्षुदा को, अति दुस्सह क्षुदा, अति दुस्सह भूख, भूख सहन की जा सकती है, सहन की जा सकती है, तृष्णा प्यास सहन की जा सकती है, ये दुस्सह है, इसे सहन करना मुश्किल है, असंभव है, एक समय के पश्चात इसे सहन करना संभव है। अति दुस्सह क्षुत और उदम पानी, वो तो त्यक्त, मैंने तो कप का त्याग दिया, ये दुस्सह भूख और प्यास या अन्न और जल मैंने त्याग दिया है। माम त्यक्तोदम अपि बाधते न, लेकिन ये मुझे बाधा नहीं उत्पन्न कर रहा है, ये मेरी श्रवण की इच्छा में, ये मेरी श्रवण की आशा में,
ये मेरी श्रवण की क्षमता में थोड़ी भी बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है, ना मुझे भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है। क्यों? पीबंतम त्वम मुखाम्बोजम च्युतम हरि कथामृतम, क्योंकि मैं आपके मुखाम्बुज से, आपके मुख कमल से च्युत हो रहा हरि कथामृत का पान कर रहा हूँ, ना मुझे भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है। आप बताते जाइए, आप कहते जाइए, मैं सुनते जाऊंगा। प्यास भी नहीं लगी है, थोड़ा पानी वानी पी लो। नहीं नहीं, प्यास नहीं लगी है। प्यास लगी थी, अति दुस्सह प्यास लगी थी, जिसकी वजह से आज मैं इस कतार पर खड़ा हूं। महाराज परीक्षित की अवस्था क्यों रही? प्यास को सहन न करने की वजह से, है ना। श्रमिक मुनि के आश्रम में वे गए पानी प्राप्त करने की अपेक्षा से, श्रमिक मुनि तो वहां पर ध्यान कर रहे थे। और ये दुस्सह तृष्णा, ये दुस्सह प्यास सहन न करते हुए उन्होंने क्या किया? एक तो पानी नहीं मिला, और दूसरा कोई उनको किसी ने पूछा नहीं, तो वहां पर पड़ा मरा सांप उठाकर उन्होंने श्रमिक मुनि के गले में डाल दिया। ये देखा किसने? उनके पुत्र श्रृंगी ने। और उन्होंने शाप दे दिया कि जिसने भी किया हो, आज से 7 दिन पश्चात तक्षक आएगा, उसे डसेगा, और वो उसी की वजह से तो मेरी ये अवस्था है, मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूं। उस समय मैंने प्यास को सहा नहीं, आज नहीं सहूंगा तो अवश्य ही मृत्यु के चक्कर में फंस जाऊंगा। आप बताइए, न मुझे प्यास सता रही है न मुझे भूख सता रही है, मुझे केवल और केवल कृष्ण कथामृत का पान करना है। ये है महाराज परीक्षित की जिज्ञासा, जिसे सुनने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी कथा का उद्घाटन करते हैं, जिसको हम प्रारंभ करेंगे कल के सत्र से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये कथा अतीव सुंदर है, भगवान के जन्म की कथा है। इस कथा के अंतर्गत हम वसुदेव जी के मुख से बहुत सुंदर वचनों को सुनने वाले हैं, और साथ ही साथ भगवान जब माता देवकी के गर्भ में आए तो उसके बाद समस्त देवतागण शिव और ब्रह्मा समेत वहां पर आए, और उन्होंने गर्भस्थित भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, जिसे गर्भस्तुति कहते हैं। ये द्वितीय अध्याय के अंत 16 श्लोकों में ये स्तुति आती है। इस स्तुति को हम रसास्वादन करने का प्रयास करेंगे, और वसुदेव जी का प्रवचन है, और उसके बाद भगवान का आविर्भाव है, और भगवान के आविर्भाव के पश्चात वसुदेव जी उन्हें गोकुल ले जाते हैं। ये प्रसंग हम आने वाले 6 दिनों में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आपको या आपकी स्थिति को न महसूस करते हुए मैं स्वार्थ बुद्धि पर होकर आपको परेशान कर रहा हूँ, और आप भी विशाल हृदय से प्रतिसाद दे रहे हैं। कथा कहने में एक ही स्वार्थ है कि कथा कहने के लिए अध्ययन करना पड़ता है। और ये गारंटी है कि ये कथा जो पूरा सुनेगा, इतनी सुंदर कथा है ये कथा जो पूरा पूरा सुनेगा, वो सुनने के पश्चात जब जन्माष्टमी के दिन जाकर भगवान के सामने खड़ा रहेगा तो उसका चित्त कुछ और ही होगा। नहीं उसके आंखों से आंसू आए तो क्या कहना, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी साक्षात भगवान का दर्शन हमें कराएंगे। यहाँ बैठे बैठे पूरा सर्वांग सुंदर दर्शन हमें होगा, इतना सुंदर वर्णन किए हैं।
देश काल परिस्थिति अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, जो संकल्प करके ये कथा सुनेगा उसको आनंदाम्बुदी वर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम, ये सब का अनुभव आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की जय।